हेलो नमस्ते जी, मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ बात करेंगे फीमेल कैथेटराइजेशन के बारे में, यानी कि फीमेल फॉलिस कैथेटराइजेशन के बारे में। जो पेशेंट महिलाएं होती हैं, फीमेल पेशेंट होती हैं, उनमें पेशाब की नली को किस तरीके से डाला जाता है, कौन कौन सा सामान चाहिए होता है, किस तरीके से क्लीन करना है पार्ट को, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, तो ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फॉलिस कैथेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फॉलिस कैथेटर के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये यहाँ पर लिखा होता है कि कौन से फ्रेंच का या कौन से नंबर का आपका कैथेटर है। तो जैसे ये 18 नंबर का कैथेटर है, और जो फीमेल्स के लिए यूनिवर्सल साइज है कैथेटर का, वो है 14। और इसके अंदर से सलाइन डिस्टिल वाटर को डाला जाता है। सलाइन कभी भी फॉलिस कैथेटर के अंदर नहीं जाते, क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम होता है और सोडियम क्रिस्टल्स जैसी फॉर्म कर देता है, इसलिए हम कभी भी सलाइन नहीं डालते हैं, हमेशा डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर डालेंगे और इसके अंदर आप जो ये इस तरीके के होल देख रहे हैं छोटे छोटे, ये ब्लैडर में डाला जाता है। ब्लैडर में डालने के बाद में देखिए, यहाँ से इतना बड़ा इसमें एक बैलून होता है, जब आप पानी डालते हैं यहाँ से तो ये बैलून फूल जाता है, और ये फूलने के बाद में इसे निकलने नहीं देता है। तो अगर आप मेल कैथेटराइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल विजिट करके देख सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम किसी डमी मेरे पास है नहीं और पेशेंट मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी का सवाल होता है। तो ये आप ये समझिए कि एक वल्वा है, एक फीमेल पेशेंट है, और आपको स्टेराइल सेट को खोल के रख लेना है। ये सेट आपको खुद को नहीं खोलना है, जो आपके फ्लोर पे रहेगा वो आपको खोल के देगा। मेरे पास कोई है नहीं तो मैंने खुद में ही खोल रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। तो इसके अंदर कैथेटर साइड के अंदर आपको स्पंज होल्डर, बाउल और एक स्टेराइल होल सीट मिलेगी आपको। फिर उसके बाद में आपको गॉज पीस खुलवा लेने हैं। गॉज पीस खुलवाने के बाद में आपको एक 10 cc की सिरिंज चाहिए, उसके अलावा 10 cc आपको वाटर चाहिए, यानी कि डिस्टिल वाटर चाहिए, एक जेली चाहिए, और एक कैथेटर और यूरो बैग या यूरोमीटर चाहिए। तो मैंने आपको सामान दिखा दिया है, अब किस तरीके से करना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हम किसी को बोलेंगे कि वो आपको बीटाडीन देगा, इसके अंदर जो आपके फ्लोर पे स्टाफ रहेगा उससे आपको बीटाडीन ले लेनी है। और किस तरीके से क्लीन करना है, तो इस गॉज पीस को इस तरीके से होल्ड करना है, बीटाडीन में डिप करना है। और अब बल्वा को किस तरीके से क्लीन करना है, कभी भी आपको अंदर से क्लीन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यहाँ पर बहुत तरह के सिक्रीशंस बैक्टीरियाज होते हैं, अगर आप यहाँ से क्लीन करके ऐसे बाहर जाएंगे तो वो बैक्टीरियाज और वो सब सिक्रीशन यहाँ भी लग जाएंगे। इसलिए हमेशा क्लीन करने का तरीका रहेगा, आपको पहले सराउंडिंग को क्लीन करना है, उसके बाद में ही आपको अंदर की साइड में आना है। इसलिए आपको बीटाडीन ली आपने, फिर आपको इस तरीके से पहले क्लीन करना है, आपका सराउंडिंग एरिया क्लीन करना है। आप दो गॉज से सराउंडिंग एरिया को क्लीन कीजिए, उसके बाद में आप तीसरा गॉज पीस लीजिए और इस तरीके से बल्वा को क्लीन कीजिए। बल्वा क्लीन होने के बाद में आप दो गॉज से बल्वा क्लीन कीजिए, उसके बाद में फेंक दीजिए, और जहाँ से यूरिन ओपनिंग होती है वहाँ पे इस तरीके से इसको क्लीन करना है। क्योंकि आपने अगर यहाँ से क्लीन नहीं किया तो यहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो यहीं के यहीं रह जाएंगे और वो कैथेटर के साथ में अंदर आपके ब्लेडर के अंदर चले जाएंगे, तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। इसलिए हमेशा आपको कैसे क्लीन करना है, पहले सराउंडिंग की क्लीन करना है, उसके बाद में बल्वा क्लीन करना है। बल्वा क्लीन करने के बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग को क्लीन करना है। आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग क्लीन हो जाएगी, उसके बाद में आपको कैथेटर को लेना है, कैथेटर खुलवा के रख लेनी है, उसके अलावा आपको जेली चाहिए और डिस्टिल वाटर को सिरिंज में भरना है। सिरिंज में डिस्टिल वाटर भरने के बाद में आपको इसको यहाँ से थोड़ा सा खोलना है और सिरिंज में जो पानी है उसे इसमें फिल करके देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो
बैलून होता है, इस बैलून के अंदर कहीं ये फटा हुआ तो नहीं है, किसी तरह की कोई लीकेज तो नहीं है। इस लीकेज को देखने के लिए आपको ये फिल करके देखना है पहले ही, और जब आप ये चेक कर लेंगे तो इसे साइड में रख लीजिए। उसके बाद में आपको जो स्टेराइल सीट है उसको इस तरीके से खोलना है, और यहाँ फीमेल का जो बल्वा है उस पर इस तरीके से ऐसे अच्छे से टेप करना है, क्योंकि ये एक स्टेराइल प्रोसीजर है। आपने इस तरीके से इसे खोल लिया है, उसके बाद में आपको जेली ले लेनी है, चाहे आप ट्रे में ले लीजिए जेली, जेली को डाल लीजिए ट्रे के अंदर इस तरीके से। ट्रे में डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसे यहाँ से खोलना है और यहाँ से पकड़ के इसे अच्छे से जेली में लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये दो काम करेगा, एक लुब्रिकेशन का काम करेगा, दूसरा एनेस्थीसिया का काम करेगा। फिर आपको दो गॉज पीस लेने हैं। दो गॉज पीस क्यों लेने हैं, दोनों गॉज पीस को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और एक ही हाथ से इस तरीके से इधर से थंब लगा के रिट्रैक्ट कीजिए और दूसरी फिंगर से इस तरीके से रिट्रैक्ट कीजिए अपने लिए जगह बनाने के लिए, क्योंकि फीमेल्स में ओपनिंग इजीली नहीं दिखती है। तो आपको इस तरीके से इसे खोलना है और इसमें जेली लगाने के बाद में इसे इस तरीके से इंसर्ट करते जाना है। और हमेशा याद रखें कि ये थैली के साथ ही आपको इस तरीके से हटा हटा के पीछे जाना है, पूरी थैली निकालने के बाद में आपको कैथेटर को नहीं डालना है। जब ये कैथेटर डल जाएगी, यूरिन आ जाएगा, तो उसके बाद में सिरिंज से इसके अंदर डिस्टिल वाटर फिल करना है। कभी भी सलाइन फिल ना करें, क्योंकि वो सोडियम की वजह से उसमें क्रिस्टल्स जम जाते हैं, इसलिए आप डिस्टिल वाटर ही यूज़ करें। उसके बाद में आप ये यूरोमीटर या यूरो बैग इसमें कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद में वही क्लीन कर दीजिए सराउंडिंग्स को, क्योंकि बीटाडीन और जेली लगी रहती है तो पेशेंट को भी अनकंफर्ट लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्लीन कर दीजिए उस सराउंडिंग एरिया को। अगर आप मेल कैथेटराइजेशन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी ऐसी इंफॉर्मेटिव, तो चैनल आप विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे, हेल्थ डिजीज पे, सर्जरी पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।